हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर एंडोजेनिटी मूवमेंट्स. इन द लास्ट टू पार्ट वी हैव स्टडीड अबाउट हाउ इंटरनल मूवमेंट्स ऑकर इन द अर्थ, हाउ लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म लाइक माउंटेन एंड कॉन्टिनेंट एंड टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव्स, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव एंड सरफेस वेव. ओके, सो इन दिस पार्ट वी विल स्टडी अबाउट वॉल्केनोस एंड इट्स इफेक्ट. सी द इमेज ऑफ वॉल्केनो. सी, फर्स्ट पार्ट में मैंने आप सभी को बताया था कि जो अर्थ है, अर्थ जो है उसके इंटरनल पार्ट में क्या क्या है, कोर है, इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. ठीक है, तो क्रस्ट में हम रहते हैं और क्रस्ट को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है. लाइक जैसे कि हमने देखा था प्लेट्स, ठीक है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशिया प्लेट, ठीक है, ऐसे बहुत सारे हमने देखे थे कि 7 मेजर प्लेट्स हैं. ठीक है, तो अब हम देखेंगे वॉल्केनोस, वॉल्केनोस कैसे ऑकर होता है. तो जो अर्थ के इंटरनल पार्ट में जो मेंटल होता है, ठीक है, मैंने बताया था कि वो बहुत ही हॉट होता है. ठीक है, तो उसमें जो है एक मैग्मा चैम्बर होता है. आप इमेज में देख सकते हैं कि मैग्मा चैम्बर कहाँ पे है और उसके थ्रू जो है वो अगर जब तक मेंटल के अंदर ही रहता है तब तक वो मैग्मा रहता है और जैसे ही धीरे धीरे वो मैग्मा चैम्बर से बाहर अर्थ सरफेस पे निकलता है तो वो किस फॉर्म में हो जाता है, लावा के फॉर्म में. ठीक है, सो फर्स्ट पॉइंट इज हॉट सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस मटेरियल्स आर थ्रोन आउट फ्रॉम द मेंटल ऑफ द अर्थ ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वॉल्केनिक इरप्शन. सी, अगर मेंटल के अंदर से, मतलब मैग्मा चैम्बर के थ्रू मेंटल के अंदर से अगर हॉट सॉलिड लिक्विड एंड गैशियस मटेरियल्स बाहर निकल रहा है और वो अर्थ सरफेस तक पहुंचता है तो उसी को क्या कहा जाता है, वॉल्केनिक इरप्शन. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऐश, वाटर वेपर, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजनस एंड इनफ्लेमेबल गैसेस, हॉट मॉल्टन मैग्मा एटसेट्रा आर थ्रोन आउट. और जब ये वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये प्रोसेस के टाइम पे ऐश, ऐश मतलब क्या होगा, राख, वाटर वेपर, वेरियस टाइप्स ऑफ पॉइजनस मतलब बहुत सारे पॉइजनस गैसेस, इनफ्लेमेबल गैसेस, इनफ्लेमेबल मतलब जिससे मतलब आग निकल सकता है. ठीक है, नेक्स्ट हॉट मॉल्टन मैग्मा एट्सेट्रा आर थ्रोन आउट. ये सारी चीज़ें जो है वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे बाहर निकलती है. एंड व्हेन द मॉल्टन मैग्मा कम्स आउट ऑन द सरफेस इट इज कॉल्ड लावा. सी, मैंने आप सभी को बताया जब तक यहाँ पे मेंटल पे अगर वो ये हॉट सॉलिड लिक्विड और गैशियस मटेरियल्स रहेंगे तो उसे क्या कहा जाता है, मैग्मा. और जैसे ही वो अर्थ सरफेस पे पहुंच के सरफेस से बाहर निकलता है तो उसे क्या कहा जाता है, लावा. ओके, नेक्स्ट वॉल्केनोस के दो टाइप हैं. फर्स्ट वन इज सेंट्रल टाइप और कॉनिकल वॉल्केनो. फर्स्ट टाइप को क्या कहा गया है, सेंट्रल टाइप या फिर कॉनिकल वॉल्केनो. ड्यूरिंग इरप्शन द मॉल्टन मैग्मा कम्स आउट थ्रू अ पाइप लाइक वेंट इनसाइड द अर्थ सरफेस. सी, अब हम देखेंगे कि जो वॉल्केनोस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है तो फर्स्ट वन है या तो उसे सेंट्रल टाइप या फिर कॉनिकल वॉल्केनो बोलते हैं और सेकेंड वन इज फिशर वॉल्केनो. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि दोनों वॉल्केनोस में डिफरेंस क्या है. तो फर्स्ट जो सेंट्रल टाइप और कॉनिकल वॉल्केनो है उसमें ये डिफरेंस है कि जो मटेरियल्स निकलते इरप्शन के टाइम पे जो मॉल्टन मैग्मा बाहर निकलता है वो किसके थ्रू निकलता है, पाइप. नेक्स्ट द लावा स्प्रेड्स अराउंड द माउथ ऑफ दिस वेंट व्हेन इट कम्स आउट. और जब वो लावा बाहर निकलता है तो लावा बाहर निकलने के बाद वो वेंट यानी पाइप के आसपास ही वो फैल जाता है. ओके, एंड एज अ रिजल्ट कोन शेप्ड माउंटेन्स स्टार्ट फॉर्मिंग एंड कॉनिकल वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म्ड. सी, जब मटेरियल्स बाहर निकलते हैं लावा के थ्रू और सरफेस पे जब मॉल्टन मैग्मा पहुंचता है तो वो लावा के थ्रू जो है लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है और जो वो मटेरियल्स निकलते हैं जैसे ऐश है, वाटर वेपर है, वेरियस टाइप्स के पॉइजनस और इनफ्लेमेबल गैसेस, जब वो मटेरियल्स बाहर निकलते तो वो वेंट के आसपास ही जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं और ठंडा होने के बाद धीरे धीरे कैसे जब वो बाहर निकलता है तो एकदम गर्म होता है, वो मटेरियल्स गर्म होते हैं, हॉट होते हैं और धीरे धीरे स्लोली स्लोली वो कूल होते हैं मतलब ठंडा होता है और उसके बाद जो है वहाँ पे धीरे धीरे क्या फॉर्म होता है, कोन शेप माउंटेन, कोन शेप में. ठीक है, आप ये इमेज देख सकते हैं कैसा शेप आपको दिखाई दे रहा है, कोन शेप में, और उसी को कहा जाता है कॉनिकल वॉल्केनो माउंटेन्स. ओके, तो कुछ एग्जाम्पल दिए हैं सेंट्रल टाइप वॉल्केनोस के.
like Mount Fujiyama in Japan and Mount Kilimanjaro in Tanzania are examples of central type volcanoes and conical mountains. Okay, so next type is fissure type volcanoes. During eruption, the magma comes out not from a single vent but from many cracks, that is fissures. It is called fissure type volcanic eruption. See the difference. हमने सेंट्रल टाइप वॉल्केनो में क्या देखा था कि जो मॉल्टन मैग्मा है वो किसके थ्रू बाहर निकलता है, पाइप के थ्रू, ठीक है. लेकिन अब हम ये देखेंगे जो फिशर टाइप वॉल्केनोज है इसमें जो मॉल्टन मैग्मा है ये एक सिंगल वेंट यानी सिंगल पाइप के थ्रू बाहर नहीं निकलता है बल्कि बहुत सारे क्रैक्स के थ्रू, क्रैक्स को ही फिशर कहा जाता है, उसके थ्रू बाहर निकलता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है फिशर टाइप वॉल्केनिक इरप्शन. The molten material coming out with the eruption spreads on both the sides of the fissure and as a result volcanic plateaus are formed. See, first में हमने क्या देखा था central type और conical type conical volcanoes में कि जब लावा बाहर निकलता है तो वो vent के पास ही, उसके आसपास ही, उसके mouth के पास जो है spread हो जाता है, फैलता है. लेकिन इसमें क्या difference है कि जो molten material है वो जब बाहर निकलता है इरप्शन के थ्रू तो वो फिशर के साइड साइड में यानी जो वो क्रैक्स रहते हैं तो क्रैक्स के साइड साइड में ही वो स्प्रेड हो जाता है और जिसकी वजह से क्या फॉर्म्ड होता है, वॉल्केनिक प्लेटियोस. ओके, हमने फर्स्ट में देखा था कि माउंटेन फॉर्म होता है सेंट्रल टाइप और कॉनिकल वॉल्केनोज से क्या फॉर्म्ड होता है, माउंटेन्स. एंड सेकेंड में हम देख रहे हैं कि फिशर टाइप वॉल्केनोज से क्या फॉर्म्ड हो रहा है, वॉल्केनिक प्लेटियोस. द डेक्कन प्लेटियो ऑफ इंडिया has also been formed due to such a type of volcanic eruption. तो इंडिया का जो डेकन प्लेटियो है, ठीक है, तो वो भी ऐसे ही volcanic eruption से बना हुआ है, ठीक है. Next, always remember, according to the periodicity of the volcanic eruptions, three types of volcanoes can be identified. थ्री टाइप्स की वॉल्केनोज होते हैं जिससे जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स है जिससे हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट वन इज इफ द वॉल्केनिक इरप्शंस आर रेगुलर इवन इन द प्रेजेंट टाइम्स देन सच वॉल्केनोज आर कॉल्ड एक्टिव वॉल्केनोज. सी, अगर वॉल्केनिक इरप्शंस अभी भी प्रेजेंट टाइम्स में रेगुलर हो रहा है तो ऐसे टाइप्स को, ऐसे वॉल्केनोज को क्या कहा जाता है, एक्टिव वॉल्केनोज. यानी वो वॉल्केनोज अभी भी एक्टिव है प्रेजेंट टाइम में. फॉर एग्जांपल माउंट फिजियामा इन जापान एंड माउंट स्ट्रोम्बोली इन मेडिटेरेनियन सी. ओके, ये एग्जांपल है किसका, एक्टिव वॉल्केनोज का. सेकेंड वन इज व्हेन अ वॉल्केनो हैज नॉट इरप्टेड सिंस लॉन्ग बट मे बिकम एक्टिव सडनली इट इज कॉल्ड डॉर्मेंट वॉल्केनो. सी, अगर बहुत काफ़ी लंबे समय से वॉल्केनो इरप्ट नहीं हुआ है लेकिन अचानक सडनली अगर वो इरप्ट होता है तो उसे क्या कहा गया है, डॉर्मेंट वॉल्केनो. उसे क्या बोलते हैं, डॉर्मेंट वॉल्केनो. मतलब काफ़ी लंबे समय से इरप्ट नहीं हुआ है, वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ है लेकिन अचानक जो है वो एक्टिव बन जा रहा है, अचानक जो है इरप्शन हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे, डॉर्मेंट वॉल्केनो. और फॉर एग्जाम्पल माउंट वेसुवियस इन इटाली, माउंट काटमई इन अलास्का, बैरन आइलैंड इंडिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है किसका, डॉर्मेंट वॉल्केनो. नेक्स्ट, दोज वॉल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड इन द पास्ट सिंस लॉन्ग एंड आर नॉट लाइकली टू इरप्ट इन फ्यूचर आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. एक्सटिंक्ट मतलब क्या होगा, गायब हो जाना. जैसे कहा गया है कि वो वॉल्केनोज जो लास्ट मतलब बहुत काफ़ी समय से वो इरप्ट नहीं हुआ है और उसका जो है फ्यूचर में भी इरप्ट होने की कोई चांसेस नहीं है तो उसे क्या कहा जाता है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. यानी वो वॉल्केनोज अब क्या हो गया है, गायब हो चुका है, ठीक है, ना ही वो पास्ट में जो है काफ़ी लंबे समय से इरप्ट हुआ है और ना ही उसके जो है फ्यूचर में इरप्ट होने के चांसेस है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल माउंट किलिमंजारो इन तांजानिया. ओके, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द वॉल्केनोज आर लोकेटेड ऑन द प्लेट बाउंड्रीज. सिमिलरली द अर्थक्वेक जोन्स आर ऑल्सो सीन इन द बॉर्डर एरियाज. सी, जो मैंने आप सभी को बताया था कि क्रस्ट को जो है डिवाइड किया गया है अलग अलग प्लेट में, तो ये आप मैप में जो है देख सकते हैं कितने सारे जो है प्लेट्स दिए हैं, जैसे पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ठीक है, अमेरिकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, ठीक है.
तो इतने सारे ये जो प्लेट दिए हैं प्लेट, और उसके बाद में ऐसा कहा गया है कि वॉल्केनोज जो है, वॉल्केनोज इसी प्लेट बाउंड्रीज पे जो है लोकेटेड है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अर्थक्वेक का भी ज़्यादा चांसेस कहाँ हो सकता है, जहाँ पे प्लेट बाउंड्रीज है, तो वैसे ही वॉल्केनोज कहाँ इरप्ट हो सकता है, प्लेट बाउंड्री के पास, ठीक है। सिमिलरली द अर्थक्वेक जोन्स आर ऑल्सो सीन इन द बॉर्डर एरियाज, ओके। जहाँ पे प्लेट का जो है बॉर्डर एरियाज है, तो अर्थक्वेक जोन्स भी वहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द प्लेट बाउंड्री विच स्लाइडर अंडर द क्रस्ट सबड्यूज, देर इज अ लॉस ऑफ मटेरियल एंड सच बाउंड्रीज आर कॉल्ड प्लेट कंज्यूमिंग, दैट इज सबडक्शन बाउंड्रीज। इन एरियाज वेयर न्यू मटेरियल इज कमिंग अप ऑन टू द अर्थ क्रस्ट, दे आर कॉल्ड प्लेट क्रिएटिंग, दैट इज कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। सी, जो प्लेट बाउंड्री का जो पार्ट है विच स्लाइड्स अंडर द क्रस्ट सबड्यूज, क्रस्ट के अंदर वो जो है दब गया है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा। मतलब अगर प्लेट बाउंड्री का जो पार्ट है अगर क्रस्ट के अंदर वो सबड्यूज यानी दब रहा है, तो वहाँ पे मटेरियल का लॉस हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे बाउंड्रीज को क्या कहा जाएगा, प्लेट कंज्यूमिंग, या फिर उसे क्या बोल सकते हैं, सबडक्शन बाउंड्रीज। और अगर जिस भी एरिया में नए नए मटेरियल अर्थ क्रस्ट पे फॉर्म हो रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्लेट क्रिएटिंग, क्योंकि वहाँ पे अर्थ क्रस्ट पे जो है नए मटेरियल्स आ रहे हैं, और जब नए मटेरियल्स आ रहे हैं यानी कि वहाँ पे प्लेट क्या हो रहा है, बन रहा है, क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाएगा, प्लेट क्रिएटिंग बाउंड्रीज और प्लेट कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, ओके। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनोज। तो फर्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। वॉल्केनोज की वजह से क्या हो सकता है, प्रॉपर्टी और लाइफ का लॉस होता है, ठीक है। समटाइम्स सुनामीज गेट जनरेटेड ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शंस ऑकरिंग बिलो ओशियन फ्लोर्स। कभी कभी जो है वॉल्केनोज की वजह से सुनामीज भी जनरेट हो सकते हैं। डस्ट, स्मोक, एश, गैसेस, वाटर वेपर एट्सेट्रा रिमेन इन द एटमोसफियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। दिस मे क्रिएट इम्बैलेंस इन द एनवायरमेंट। सी, वॉल्केनोज जब होता है, वॉल्केनिक इरप्शन जब होता है, तो हमने पढ़ा कि उसके थ्रू बहुत सारे जो है वेरियस टाइप्स के मटेरियल्स बाहर निकलते हैं, जैसे कि डस्ट हुआ, स्मोक हुआ, ऐश, गैसेस है, वाटर वेपर है, तो ये क्या होता है कि काफ़ी लंबे समय तक जो है एटमोसफियर में रुका रहता है, ठीक है, तो इसके वजह से जो है किसको हार्म पहुँच सकता है, एनवायरमेंट जो है इम्बैलेंस हो सकता है, ओके। नेक्स्ट, लैंड में बिकम फर्टाइल ड्यू टू वॉल्केनिक ऐश। तो जो राख, मतलब लावा के थ्रू जो राख निकलती है, ऐश, तो उसके वजह से क्या होता है कि लैंड जो है वो क्या हो सकता है, फर्टाइल, मतलब उपजाऊ हो सकता है, जो खेती के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। मेनी मिनरल्स आर फाउंड नियर द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ लावा। तो बहुत सारे जो है लावा के वजह से अर्थ सरफेस पे बहुत सारे मिनरल्स भी फाउंड हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं, ठीक है। न्यू लैंड इज फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन और एट टाइम्स एन आइलैंड में इवन डिसअपियर, ठीक है। तो एक फ़ायदा भी हो सकता है और कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। जैसे वॉल्केनस का इफेक्ट क्या है कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से नए लैंड भी फॉर्म्ड हो सकते हैं, ठीक है, न्यू टाइप्स के लैंड फॉर्म हो सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि कॉनिकल वॉल्केनस के वजह से क्या फॉर्म्ड हो रहा है, कॉनिकल शेप माउंटेन, ठीक है, और फिशर टाइप वॉल्केनस से हमने क्या देखा कि प्लेटियोस, वॉल्केनिक प्लेटियोस फॉर्म हो रहे, तो ये न्यू लैंड फॉर्म हुए वॉल्केनिक इरप्शन से, ओके। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो आइलैंड है वो गायब भी हो सकते हैं, डिसअपियर भी हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, लेक्स आर फॉर्म एट द माउथ ऑफ द क्रेटर्स ऑफ डेड वॉल्केनस व्हेन रेन वाटर एक्युमुलेट्स इन देम। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से वहाँ पे जब बोला गया है कि रेन वाटर इकट्ठा होगा, तो उसकी वजह से क्या फॉर्म्ड हो सकता है, कौन सा न्यू लैंड, लेक्स, ठीक है, लेक्स भी वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से फॉर्म हो सकता है, ओके। तो ये थे इफेक्ट्स ऑफ वॉल्केनोज, ओके। होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।